हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाई फाई पॉइंट। गाइज, मैं आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है। गाइज, मैं आज आपको ए अल्फ़ाबेट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ, ये पार्ट वन है। तो गाइज देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइज ये रहा, देखिए एबेटॉयर। एबेटॉयर का मीनिंग क्या होता है? कसाई खाना, स्लॉटर हाउस। ठीक है गाइज, और देख लेते हैं एबुट। एबुट मीनिंग होती है चर्च की मुख्य पादरी, जिसको कह सकते हैं सुपीरियर ऑफ चर्च। और थर्ड है एब्रिविएशन, संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम इसका सिनोनिम हो जाएगा। और फोर्थ है एबडिकेट, मतलब किसी चीज़ को स्वेच्छा से त्याग देना, टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटियरली। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्वेट, एक्वेट का मीनिंग क्या होती है गाइज देख लेते हैं। आरोप से बरी करना, मतलब टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट, जिसको नॉट गिल्टी कह सकते हैं एक्वेट। और एक्रीमोनियस मीनिंग होता है गुस्सा एवं नाराजगी भरा, मतलब एंग्री एंड बीटर। और है नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट किसी चीज़ का आदि हो जाना, मतलब हैबिचुएटेड हो जाना, लत लग जाना। और नेक्स्ट है एडोलिसेंस, मतलब किशोरावस्था, जिसको कह सकते हैं द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो गाइस चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए सबका मीनिंग समझ लेते हैं। एकोलेड, एकोलेड जिसको कह सकते हैं प्रशंसा। और एक कम्प्लीस, अपराधी का सहयोग करना, एक कम्प्लीस मीनिंग अपराधी का सहयोग करना, एसोसिएट इन क्राइम। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं अकाउंटेबल। अकाउंटेबल किसी बात के लिए जवाबदेही होना, मतलब लिएबल। लिएबल इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड, जवाबदेही होना, आंसरेबल होना। और नेक्स्ट है एक्यूवियस, मतलब इच्छा से किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। एक्यूवियस मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब आप किसी चीज़ से सहमत है लेकिन अनिच्छा से, किसी को स्वीकार कर लिए लेकिन अनिच्छा से, आपके में वो इच्छा नहीं है लेकिन, और आप उस चीज़ का विरोध भी नहीं किए, उसको बोलते हैं एक्यूवियस। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए सबका मीनिंग देख लेते हैं। एबेरेशन, सामान्य या प्राकृतिक से अलग। एबेरेशन का मीनिंग होता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, मतलब किसी चीज़ से या नॉर्मल चीज़ से भी वो अलग होना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीमली मिजरेबल, बहुत बुरा, या कंटेम्प्टिबल भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है एबोलिस, पूरी तरह समाप्त कर देना, कहलाता है एबोलिस, मतलब डू अवे विथ होली। और नेक्स्ट देख लेते हैं एबो ओरिजिन्स, मतलब मूल निवासी, इनहेबिटेंट, किसी जगह का मूल निवासी कोई होता है उसको एबो ओरिजिन्स कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए देख लेते हैं सबका मीनिंग। एरोमा का मीनिंग होता है खुशबू, सुगंधित, जिसको कह सकते हैं फ्रेग्रेंस। गाइज मैं जितना ये आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारा प्रीवियस में आ चुके हैं। ठीक है, मैं सारा प्रीवियस ईयर से ही उठाया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अर्सेनल, हथियारों का भंडार, मतलब एक कलेक्शन ऑफ वीपन या इक्विप या मिलिट्री इक्विपमेंट कह सकते हैं अर्सेनल। और एसेंट का मीनिंग होता है सहमत होना, किसी से स्टिपुलेट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एग्रीमेंट होना, सहमत होना, एसेंट कहलाता है। और एवेरिशियस मीनिंग हो जाएगा ग्रीडी ऑफ मनी, धन का लालची, एवेरिशियस कहलाता है। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज हम लोग ये गाइज ये सब मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना कहा जाता है ना वो है, मतलब मुझे नहीं लगता है इससे बाहर आएगा क्वेश्चन। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो चलिए देख लेते हैं सबका मीनिंग क्या होता है। एनिहिलेट, एनिहिलेट मीनिंग होती है नष्ट करना, इसका मतलब होता है नष्ट कर देना, टोटली डिस्ट्रॉयड, रेज। और एंटिक का मीनिंग होता है प्राचीन, ओल्ड जिसको कह सकते हैं, बहुत पुराना, प्राचीन, एंटिक। और एरिड बंजर, जिसको सूखा कह सकते हैं, बंजर। और नेक्स्ट है एपैथी, मतलब उदासीन, लैक ऑफ इंटरेस्ट एपैथी कहलाता है, मतलब जिसको किसी से कुछ मतलब ही नहीं हो, इंटरेस्ट ही ना हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एंथुजियाज्म जिसको कह सकते हैं एपैथी। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो चलिए मीनिंग देखते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी का मीनिंग होता है समर्थन या वकालत करना। तो रिकमेंड जिसको कह सकते हैं, रिकमेंड एडवोकेसी, सपोर्ट करना, एडवोकेसी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एफेबल। एफेबल का मीनिंग होता है मित्रतापूर्ण, मतलब फ्रेंडली, गुडविल, अच्छा व्यवहार जिसको कह सकते हैं, या मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली, एफेबल कहलाता है। और नेक्स्ट है एफिडेविट, मतलब शपथ पत्र जिसको कह सकते हैं, या एक ये कह सकते हैं ए राइटन स्टेटमेंट कन्फर्म बाय ओथ, एफिडेविट कहलाता है। और एजेंडा, एजेंडा मुद्दा, जो कोई मीटिंग में डिस्कस करने वाली कोई मुद्दा होती है। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड, एग्रवेशन। एग्रवेशन का मीनिंग क्या होता है, स्थिति का और ख़राब होना। ठीक है, तो जिसको बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ बीकमिंग वर्स, मतलब स्थिति का और बदतर हो जाना, एग्रवेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्रेसर, जो आक्रमणकारी, जो आक्रमण करते हैं उसको एग्रेसर बोलते हैं। और नेक्स्ट है एजिटेशन, हलचल या आंदोलन, एजिटेशन कहलाता है। ठीक है, बोल सकते हैं पब्लिक एरोसिंग, एरोस करना, मतलब उत्तेजित कर देना पब्लिक को। ठीक है, और एग्नोस्टिक, गाइज यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, नास्तिक नहीं होगा एग्नोस्टिक में। एग्नोस्टिक का मीनिंग होता है जो भरोसा नहीं करते, डाउट करते भगवान के एग्जिस्टेंस पे, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस पे कि गॉड है कि नहीं है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, तो चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो ये रहा, चलिए सबका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। एलिबी मतलब बहाना करना या झूठ बोलना, एलिबी, जब कोई घटना, इंसिडेंट वैसी घटती है तो हम लोग बोलते हैं कि हम कहीं और थे, उसको कहते हैं एलिबी। ए क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर डेट द इंसिडेंट टुक प्लेस, एलिबी कहलाती है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एलिनेट मतलब मित्र को शत्रु बना लेना, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमी, एलिनेट कहलाती है। और एलिमोनी, अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम, जब कोई हस्बैंड वाइफ सेपरेशन होते हैं, मतलब डिवोर्स हो जाती है, तो पत्नी को दी जाने वाली रकम एलिमोनी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एल्ट्रुस्ट, एल्ट्रुस्ट का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। परोपकारी, फिलेंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं एल्ट्रुस्ट का मीनिंग। सेल्फलेस कंसर्न फॉर अदर्स, जो बिना मतलब के किसी पे रहम करते हैं, तरस करते हैं, परोपकारी होते हैं, उदार होते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, उसको बोलते हैं एल्ट्रुस्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड। एब्सकॉन्डर का मीनिंग समझ लेते हैं, कानून से भागा हुआ व्यक्ति, जो फ्यूजिटिव होता है, ए फ्यूजिटिव, कानून से, कानून के पकड़ से बाहर, एब्सकॉन्डर कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, सोखने की प्रक्रिया, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्स्ट्रूस, जिसे समझना मुश्किल है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, रिडल, पहली, एनिग्मा, एब्स्ट्रूस के सब सिनोनिम है, जिसे समझना मुश्किल है मीनिंग होती है। और नेक्स्ट है एब्सर्ड, बेतुका जिसे कहते हैं, एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेतुका, रिडिकुलस, इलॉजिकल। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तो थैंक यू।